अब अध्यापक जाग चुका है, ये पुलिस का जुमला नहीं लेने वाला। ये स्लोगन है ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं। कानून कहता है टीचर से दूर काम नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन अध्यापकों के ट्रांसफर लंबे समय से नहीं हो रहे हैं और उसके लिए लंबे समय से हम संघर्ष रहते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक ट्रांसफर का मुद्दे को हल नहीं किया है। बाकी सब कर्मचारियों के ट्रांसफर हैं लेकिन अध्यापक के ट्रांसफर नहीं हो रहे, इसलिए इस मांग को लेकर के आज हमने यहाँ धरना शुरू किया है। 11 तारीख तक हम लगा धरना देंगे यहाँ, और साथ ही साथ प्रमोशन भी नहीं किए जा रहे। हम कह रहे हैं कि सब कर्मचारियों के प्रमोशन हो रहे हैं, टीचर्स के भी प्रमोशन किए जाएँ। अध्यापकों को पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, स्कूलों में गैर शैक्षिक काम इतने लगा रखे हैं जो हमारा काम नहीं है। कानून कहता है टीचर से दूर काम नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन कानून को तोड़ करके हमारे अधिकारी हम पे गैर शैक्षिक काम थोपे रखते हैं। वो ना तो कानून को मानते हैं, ना उच्च अधिकारियों के आदेश को मानते हैं, और ना सरकार हमारे ट्रांसफ़र कर रही है, जिससे शिक्षकों में बहुत आक्रोश है। और इसीलिए हम आज यहाँ पूरे राजस्थान के शिक्षक यहाँ आए हैं और यहाँ धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी, अन्यथा 11 तारीख को हम कोई बड़े आंदोलन की घोषणा करने के लिए मजबूर हो जाएं। महावीर सियाग, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ, चेकावर। अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए जो एक सूत्री मांग पत्र है, एक सूत्री मांग को लेकर जो धरना चल रहा है, इस धरने का ये अनिश्चितकालीन धरना है। और सरकार चूंकि चुनावी साल है, चुनावी साल के अंदर आचार संहिता लगाने में बहुत कम समय बचा है, और जब शिक्षा ही विभाग के अंदर सभी संवर्ग के ट्रांसफर लगातार किए जा रहे हैं, तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों? इस ट्रांसफर के लिए लगभग ये 14वां आंदोलन है। इससे पहले कई ब्लॉक स्तर पर प्रदेश में यहाँ तक दिल्ली तक ये आंदोलन किए गए, लेकिन सरकार के जो जनप्रतिनिधि यहाँ की नौकरशाही है सुन नहीं रही है, इसके आक्रोश है। और ये ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं का ये स्लोगन है, इसके बैनर होर्डिंग लगना शुरू हो चुके हैं, अभी 12 में लगे थे। तो ये जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, यदि 3-4 दिन तक सरकार इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती है, तो प्रदेश के अंदर ये जो तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति स्थानांतरण के लिए जो कार्य कर रही है, ये प्रदेश के अंदर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना हो, यदि वोट की चोट भी देने के लिए आवश्यकता पड़ी तो अवश्य देंगे। लेकिन हम पुनः मीडिया के माध्यम से करबद्ध निवेदन करते हैं कि शिक्षा ही विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी का कार्मिक है, जो आपकी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए धरातल पर सबसे जो नीचे का एक कड़ी है, ये जो सीढ़ी है, इसको कम से कम आप ट्रांसफर करके कृतागत करें। अन्यथा ये चुनाव नज़दीक हैं, ये आक्रोश है, लाखों की संख्या में जो परिजन हैं ये आपके आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये धरना हमारा कर्मिक अनिश्चितकालीन रोज चलेगा, जैसे आज हमने कुछ संभागों के जिलों के बुला लिए, कल और जिलों के संभाग के बुलाएंगे। और इसी के साथ मैं मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि इस मांग को पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, नई नई पॉलिसी का जुमला लगातार दे तैयार हैं। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय और जो प्रशासनिक जो ब्यूरोक्रेसी इस मामले को संज्ञान में ले। गोविंद सिंह डोटासरे शिक्षा मंत्री थे, समय यही अगस्त का महीना था, 1 अगस्त का तारीख थी, यही धरना था इसी जगह पर, और उन्होंने 85,000 आवेदन भी लिए थे, लेकिन आवेदनों पर छटनी होती, यदि उन पर कार्रवाई होती उससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री पद से हट गए। उसके बाद में नया शिक्षा मंत्री आया, आते ही कहा कि मैं 1 महीने में पॉलिसी दे दूंगा। आप ही के मीडिया चैनल में उन्होंने बाइट दी थी, डिबेट में कहा था कि हम 1 महीने में पॉलिसी दे देंगे। 1 महीना बीत के, साल भर बीत गया, तो चुनाव नज़दीक है और महीने दर महीने ये पॉलिसी का जुमला लगातार देते आ रहे हैं। अब अध्यापक जाग चुका है, ये पॉलिसी का जुमला नहीं लेने वाला, उसको चाहिए तो केवल और केवल स्थानांतरण चाहिए, और ये हमारा वाजिब अधिकार है। जब हमारे ही विभाग में सबके ट्रांसफर कर रहे हैं, एक चपड़ासी से लेकर आप डीओ प्रिंसिपल सबको बदल रहे हैं, इन्होंने कौन सी आपकी भैंस खोल दी जिसका हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं? मैं सूरज बान सिंह तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। सरकार से हम लगातार 5 साल से 13 आंदोलन हम कर चुके हैं, हर साल आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार केवल हमें आश्वासन पर आश्वासन देती है, इसके अलावा हमें ट्रांसफर पर कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की है। हम सरकार से अब आखिरी समय है, हम और निवेदन करना चाहते हैं, ट्रांसफर खोलती है तो ठीक है, नहीं तो हमारा ये स्लोगन है ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं। और हम ये मुहिम लेकर हर ब्लॉक, हर जिले और हर ग्राम पंचायत तक जाएंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए यदि सरकार ट्रांसफर खोल देती है तो हम सरकार के साथ हैं, नहीं तो हम सरकार के वोट की चोट देंगे।